उधर खबर है कि मेलिटोपोल शहर के लोगों के बीच रूसी नागरिकता पाने की होड़ मची है। रूस का दावा है कि यूक्रेन के ज़ापोरिज़्या इलाके के इस दूसरे सबसे बड़े शहर पर उसका कब्जा है, जहां पिछले कुछ दिनों से पुतिन और ज़ेलेंस्की की सेना एक बार फिर आमने सामने है। इस बीच रूस का दावा है कि मेलिटोपोल के ज्यादातर लोग अब उसके देश की नागरिकता लेना चाहते हैं और इसके लिए वो रूसी पासपोर्ट बनवाने में जुटे हैं। वहां से सामने आई एक तस्वीर में पासपोर्ट ऑफिस के बाहर लोगों की लंबी कतार भी दिखाई दी। खबर है कि रूस ने इस प्रक्रिया को जल्द पूरा करने के लिए एक योजना बनाई है ताकि लोगों को रूसी नागरिकता मिलने में देरी न हो। पिछले हफ्ते ही पुतिन ने अपने अधिकारियों को यह निर्देश दिया था कि मेलिटोपोल के अलावा खेरसोन इलाके में भी इसी तरह की मुहिम चलाई जाए। हालांकि रूस का यह अभियान यूक्रेन के दो इलाकों में पहले से ही चल रहा है। बताया गया कि डोनेस्क और लुहांस्क में 2014 के बाद कई लोग रूसी नागरिकता ले चुके हैं। ये दोनों वही इलाके हैं जहां इन दिनों रूस और यूक्रेन के बीच भीषण जंग छिड़ी हुई है और दावा है कि यूक्रेन के इस पूर्वी हिस्से को जीतने के लिए पुतिन की सेना ने अपना पूरा जोर लगा दिया है। लेकिन ज़ेलेंस्की के सैनिकों को इन दोनों इलाकों में सिर्फ रूसी सेना ही चुनौती नहीं दे रही, बल्कि वहां रूस के कई समर्थक गुट भी यूक्रेन की राह में रोड़ा है। खबर है कि इन विरोधी गुटों के ज्यादातर लोग पहले से ही रूस की नागरिकता ले चुके हैं और उन्हीं के नक्शे कदम पर चलते हुए अब मेलिटोपोल और खेरसोन के भी कई लोग रूसी नागरिक बनना चाहते हैं। इस बीच रूस से आई एक जांच टीम ने मारियोपोल के अजोवस्ताल स्टील प्लांट का दौरा किया। ये वही प्लांट है जिस पर कब्जा करने के लिए रूसी सेना को 1.5 महीने तक लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी थी, क्योंकि यूक्रेन की सेना की स्पेशल यूनिट अजोव रेजिमेंट के सैनिकों ने इस स्टील प्लांट को ही अपना बेस बना लिया था और वो किसी भी हाल में अपनी हार मानने के लिए तैयार नहीं थे, जबकि रूसी सैनिक और चेचन लड़ाकों ने उन्हें हराने के लिए अपना पूरा जोर लगा दिया था। हालांकि बाद में यूक्रेन के करीब 2500 सैनिकों ने रूसी सेना के सामने सरेंडर कर दिया था, जिसके बाद रूस की एक जांच टीम इस बात का पता लगाने के लिए इस प्लांट में पहुंची कि यूक्रेन के सैनिकों ने किस तरह इतने दिनों तक रूसी हमलों का सामना किया था। हालांकि भीषण जंग की वजह से ये प्लांट पूरी तरह बर्बाद हो चुका है। प्लांट के अंदर भी जगह जगह मलबे का ढेर दिखाई दिया। बताया गया कि इस प्लांट में कई तहखाने हैं जहां छिपकर ज़ेलेंस्की के सैनिकों ने रूसी सेना का मुकाबला किया था।